अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ शुएब मंजूर फ्रॉम शुएब मंजूर यूट्यूब चैनल और शुएब होस्ट डॉट कॉम की तरफ से वेब होस्टिंग कोर्स के न्यू सीरीज़ में आपको सबको जो है वेलकम करता हूँ। और मेरी थोड़ी सी ज़ुबान जो है वो फिसल जाती है बिकॉज़ मैंने तकरीबन 8-9 महीनों से वीडियोस रिकॉर्ड नहीं की हैं, तो इस चीज़ को जो है आप लोगों ने प्लीज़ इग्नोर करना है, बजाय इसके कि आप बैड कमेंट्स वगैरह दें। मैं आप लोगों से पहले ही जो है इस चीज़ के ऊपर माजरत चाहता हूँ। कोई भी इंसान जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम ये चीज़ सीखेंगे कि हम अपनी जो है WHMCS वेबसाइट का जो डेटाबेस होता है उसको ऑप्टिमाइज़ किस तरह से कर सकते हैं। अब डेटाबेस को ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं करेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी वेबसाइट में जो है प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, एरर्स आने शुरू हो जाते हैं और काफ़ी आपको मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है। जैसे आपकी क्रोन जॉब जो है, क्रोन जॉब वो वर्क नहीं कर रही होती और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। तो इस वीडियो में जो है हम सबसे पहले अपने WHMCS के अंदर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद हम यूटिलिटीज़ के ऑप्शन में जाएंगे, सिस्टम में जाएंगे और ऑटोमेशन सेटिंग के बाद डेटाबेस स्टेटस के ऑप्शन पर हम आ जाएंगे। अब ये वो वाली सारी सेटिंग्स हैं जो कि मैंने आपको क्या कहते हैं हमारे जो पहले था पहले हमने जो 30 से 35 वीडियोस देखी थी उनमें हमने ये सारी चीज़ें जो है कवर नहीं की थी। उसकी रीज़न ये थी कि इन सब चीज़ों की जो है तब ज़रूरत हमें पेश ही नहीं आई, क्योंकि पहले तो था कि हम एक इमारत को जो है ना खड़ा करते हैं, जब इमारत को बंदा खड़ा कर देता है फिर बंदा उसके ऊपर डिज़ाइनिंग वगैरह करता है, वो भी आपको सिखा दी थी। अब ये देखना है कि इमारत के अंदर जो है कौन कौन से पुर्जों को जो है रिपेयर करना ज़रूरी होता है कुछ कुछ टाइम बाद, ताकि आपकी इमारत जो है वो बिल्कुल सही तरीके से जो है खड़ी रहे। अब यहाँ पर ऑप्टिमाइज टेबल की भी ऑप्शन मौजूद है, डाउनलोड डेटाबेस के भी, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, ऑप्टिमाइज टेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइज यहाँ से आप जो है इसको लाजमी तौर पर करें, इससे ये जो है ना आपका ये बता रहा है कि ऑल डेटाबेस टेबल्स जो है सक्सेसफुली ऑप्टिमाइज्ड, ये आपके सारे डेटा जो है ना टेबल्स इनको सबको जो है ना ऑप्टिमाइज़ कर देगा। इसके अलावा जो है हम सिस्टम में वापस आते हैं, सिस्टम क्लीन अप की ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो है ये एक्टिविटीज़ जो है ना आपने इनको जो है ना तकरीबन 2000-3000 से ऊपर आपने नहीं जाने देना, यहाँ पर 1400 हो गई हैं, मैं थोड़ी सी जो है ना कम कर देता हूँ यहाँ पर 7, हाँ 7 से मैं करता हूँ इसको, 7 से पहले पहले वाली सारी क्लियर कर दी उसने। ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपके क्लाइंट कर रहे होते हैं आपके अपने अपने अकाउंट्स के अंदर, कोई जा अगर अपना अकाउंट क्या कर रहा है, खोल रहा है, ओपन कर रहा है, बंद कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना कैच आउट करता रहता है। अब यहाँ पर सेव्ड ईमेल्स जो है इनको तकरीबन 3-4 हज़ार पर जाकर मैं जो है ख़त्म करूँगा, फिर 1000 पर ले आऊँगा, और इस तरह से आप ऑप्टिमाइज रखें आपकी वेबसाइट को इशू नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें भी जो है ना आप इसको भी जो है MPT रखें, हुईज लुकअप और MPT कैशियर जो है इसको भी मैंने कर दिया है, और ये चीज़ें मैंने करने के बाद और एक्टिविटी लॉग्स और मॉड्यूल लॉग, खैर ये जितना कुछ आपने कर लिया है इतना काफ़ी है, WHMCS जो है इतना ही ऑप्टिमाइज होता है। बाकी बाकी जो है आपका डेटाबेस रिपेयर करना, ऑप्टिमाइज़ करना, सारा मेन काम जो है आपके सी पैनल से ही होता है, क्योंकि आपकी WHMCS वेबसाइट जारी बात है आपके सी पैनल के साथ लिंक आउट होती है, तो ये सारे काम जो है वहाँ से हो रहे होते हैं। तो शुएब मंजूर को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें जो है मैं आपको सी पैनल से जो है ना इसको फुली ऑप्टिमाइज़ करना सिखाऊंगा। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जब आपके क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगे आपको इन सब चीज़ों की जो है तब ज़रूरत पड़ेगी, कदर भी होगी। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।